नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। इस वीडियो में हम सभी लोग करंट अफेयर्स के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि आज भाग 4 है। इसके पहले 3 भाग कराए जा चुके हैं करंट अफेयर्स के, और हर भाग में आपको 15-15 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपने उन टेस्ट सीरीज को नहीं किया है तो प्ले लिस्ट पर जाकर करंट अफेयर्स की उस टेस्ट सीरीज को कर लीजिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस टेस्ट सीरीज को हल करते हैं 15 प्रश्नों को। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को। पहला प्रश्न है, ATAGS शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATAGS शब्द का अर्थ होता है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपोर्टिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं प्रेम प्रकाश। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूर संचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, श्रीनिवास कर्णम को। प्रथम दीन दयाल उपाध्याय दूर संचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार श्रीनिवास कर्णम को चुना गया है, और ये बेंगलुरु से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि किस आर्कटिक को दुनिया का सबसे पुराना आर्कटिक नाम दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रेस्टोडिया एग्निकेलस। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 18 दिसंबर को। विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम NGFS का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, पेरिस में है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, यूनेस्को ने हाल ही में किस देश की हाकर संस्कृत को मान्यता दी है? तो यूनेस्को ने हाल में किस देश की हाकर संस्कृत को मान्यता दी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, सिंगापुर। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस संगठन को इस्पात क्षेत्र में 2020 के लिए गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नासा और के बीच गेटवे संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आपको बताना है कि नासा और किसके बीच गेटवे संधि हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, कैनेडियन स्पेस एजेंसी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, कौन सा देश G7 शिखर सम्मेलन 2021 के लिए दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ आमंत्रित अतिथि राष्ट्रों में से एक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 20 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, हल्दीबाड़ी चिल्लाहाटी रेल लिंक भारत और खालिस्तान है के बीच 5वीं रेल लिंक है, तो कहाँ की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश की। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न नंबर 13, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, 111वीं रैंक है, 2020 में 111वें स्थान पर रखा गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जेवर उत्तर प्रदेश में निर्मित हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन संख्या दो, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जेवर उत्तर प्रदेश में निर्मित हवाई अड्डे का नाम है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। यूके से आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा बन गया है? यूके से आईएसओ प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, नेहरू प्राणी उद्यान। नेहरू प्राणी उद्यान। तो ये 15 प्रश्न आपके समाप्त हुए। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्न को सही किया। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों के साथ और कुछ महत्वपूर्ण जी के प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।